जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में नियो वोल्टेक में। दोस्तों अगर आप एयरपोर्ट में एक गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है, क्योंकि दोस्तों एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से आ चुकी है नई भर्ती। जैसा कि आप देखते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन साल 2023 का जारी कर दिया है। तो नोटिफिकेशन आपको दिखा देते हैं, ये रहा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, ये जो भर्ती है ऑल इंडिया की भर्ती है, मतलब इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसी आपको मिलने वाली है ये गवर्नमेंट की जॉब आपको मिलने वाली है, तो यहाँ पर आपको जो भी बेनिफिट मिलेंगे गवर्नमेंट के आपको बेनिफिट मिलेंगे जो कि एज पर गवर्नमेंट रूल्स होंगे, ठीक है। दोस्तों इसके आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे, नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होने वाला है, सीधी भर्ती आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। और इस वैकेंसी के लिए क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, आवेदन कब से कब तक चलेंगे, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। बस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा और आगे बढ़ने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी जानकारी हो। रोजाना इसी प्रकार गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो के नीचे बेल आइकन दबा दीजिएगा, साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर एक नई भर्ती की सूचना आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ दोस्तों अगर आप 10वीं क्लास पास हैं, 12वीं पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, अगर आप इस साल 2023 में गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको सिंपली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है जो कि है tipsworldbus.xyz। यहां पर आप आएंगे तो आपको नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले दी जाती है, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, पुलिस की हो, आर्मी की हो, किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट की भर्ती हो, आप यहां से जानकारी ले सकते हैं। सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां पर मिल जाती है, पूरी जानकारी के साथ साथ आपको नोटिफिकेशन पीडीएफ और अप्लाई करने का लिंक भी यहां पर दिया जाता है, तो कंप्लीट जानकारी लेकर के जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की एयरपोर्ट की नई वैकेंसी के बारे में जो कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यहाँ पर जो वैकेंसी है AAI की तरफ से है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की, जो कि इस साल 2023 की नई भर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। वैकेंसी की बात करें और टोटल वैकेंसी की, तो यहाँ पर टोटल जो वैकेंसी है 442 है, लगभग 350 पोस्ट पर ये भर्ती निकाली जा रही है। और यहाँ पर जो वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की है, सीनियर असिस्टेंट की है और जूनियर एग्जीक्यूटिव की है। दोस्तों यहाँ पर ये जो वैकेंसी निकाली गई है अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है, तो जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ऑफिस फील्ड की वैकेंसी है, वही सीनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है अकाउंटेंट की है, वही दोस्तों जूनियर एग्जीक्यूटिव की जो वैकेंसी है वो ऑफिसर की है, अकाउंटेंट की है, लो की भी है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से वैकेंसी है। टोटल 342 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसका अप्लाई करने का प्रोसेस जो रहेगा वो सिर्फ आपका ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आपको इस वैकेंसी के लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी आपको काफी शानदार मिल रही है, 40,000 से 1,40,000 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिल रही है, जो कि काफी अच्छी सैलरी है। ऑल इंडिया के सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। वहीं दोस्तों एज लिमिट जो है कम से कम 18 है, मैक्सिमम जो है 30 साल है। एज का रिलेक्शन भी आपको मिलेगा, अगर आप SC ST, अगर आप SC और ST के कैंडिडेट्स हैं, या फिर अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं, NCL के, ठीक है, तो NCL के कैंडिडेट्स अगर आप हैं तो 3 साल की छूट मिलेगी, SC ST के हैं तो 5 साल की छूट आपको यहां पर मिलने वाली है। वही दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि सिलेक्शन के प्रोसेस में केवल आपका यहाँ पर एग्जाम होगा, आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा, तो बिना इंटरव्यू के केवल आपका एग्जाम लिया जा रहा है। और एप्लीकेशन फीस जनरल ओबीसी के लिए 1,000 है, SC ST फीमेल के लिए फ्री है और PW के लिए भी बिल्कुल फ्री है। पेमेंट जो है जनरल ओबीसी के कैंडिडेट्स को ऑनलाइन करना होगा। बाकी बात की जाए क्वालिफिकेशन की, तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर बैचलर डिग्री पास है यानी कि ग्रेजुएट पास है आर्ट्स कॉमर्स साइंस में या BBTech किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, तो आप सभी कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस भर्ती के आवेदन कब से कब तक चलेंगे ताकि आप अप्लाई कर सकें। अप्लाई करते समय आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, तो दोस्तों अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही तो कमेंट कर सकते हैं आप हमें, तो कमेंट जरूर कीजिएगा अप्लाई करने से पहले ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, ठीक है, तो हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसके आवेदन जो है आप देखते हैं स्टार्ट हो रहे हैं 5 अगस्त से, लास्ट डेट जो है 4 सितंबर 2023 से, तो 4 सितंबर तक में आपको अप्लाई करना है। यह रहा लिंक अप्लाई करने का, यह रहा लिंक नोटिफिकेशन का, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, आप आ जाएंगे नोटिफिकेशन पे और यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी निकाली जा रही है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो जूनियर असिस्टेंट की है, जूनियर असिस्टेंट की है, आप देख सकते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव की वैकेंसी है, वेरियस वैकेंसी है।
मल्टीपल जॉब्स यहाँ पर निकाली गई है। नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं 2023 का है, 3/2023 का है। तो यहाँ पर आपको नीचे आना है और डिटेल्स में आपको जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया जूनियर असिस्टेंट की जो वैकेंसी है ऑफिस की है, सीनियर असिस्टेंट की जो है अकाउंट्स में है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की कॉमन कैडर की है, फाइनेंस में है, फायर सर्विस में है, लॉ में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी है कितनी कितनी है और टोटल वैकेंसी को आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार ये वैकेंसी रहेगी दोस्तों। इसका अप्लाई करने का सिलेक्शन का प्रोसेस सारा यहाँ पर मेंशन किया गया है, कोई भी डाउट है तो आप चेकआउट कीजिएगा। और यहाँ पर क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप यहाँ पर आकर के अप्लाई कर सकते हैं, एनी ग्रेजुएट पास के इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई कीजिएगा, कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।